इस वेले की एक खबर कादियां शहर के नज़दीक कस्बा हरचोवाल तो आ रही है, जिथे कि हरचोवाल का भारतीय सैनिक गुरचरण सिंह जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक अतवादी ग्रुप में लोहा लेंदे हुए शहीद का जाम पी गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय फौज को एक गुप्त सूचना मिली है कि हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर ए तोयबा के अतवादी जम्मू कश्मीर के राजौरी खेत्र में लुके हुए सन। इसका मुकाबला करने लिए भारतीय सेना ने सवेरे 4 बजे हमला किया। मुकाबला कई घंटे चलिया। हुई भयानक लड़ाई दौरान गुरचरण सिंह उर्फ सोनू ने अतवादियों का पीछा किया। एक अतवादी ने पिछे तो फायरिंग की जवान को मार दिता। गुरचरण सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह वासी हरचोवाल का वसनीक सी। उसकी पत्नी रणजीत कौर, 3 साल की एक बेटी और 1 साल का एक बेटा पिछे वो छड़ गए ने। गुरचरण सिंह शहीद दी लाशां अज देर शाम पिंड हरचोवाल दे विच सरकारी सन्मानां नाल उन्हां दा संस्कार किया गया। इस मौके शहादत नूं श्रद्धांजलि देण लई पहुंचे हलका विधायक श्री हरगोबिंदपुर, बलविंदर सिंह लाडी, SDM बटाला अते होर कई प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुँच के श्रद्धांजलियां दित्तियां अते परिवार नाल दुख सांझा किया। देखते रहो इंडिया क्राइम न्यूज़। कादियां तो पत्रकार गुरप्रीत सिंह दे नाल राजबीर कौर की खास रिपोर्ट। रेवोल्यूशन आंदे सीज़ फायर की लंघना की, 6 बजे फायर स्टार्ट हो गया। मोटर RL ते काफ़ी सारे स्मॉल आर्म का तकरीबन मेरी पलटन 6 महीने सफलतापूर्वक हो चुके सी। दुश्मन लगातार सानू डीमरार करन लई कोशिश कर रहा सी, लेकिन असी अपनी जो ट्रेनिंग जो ड्रिलों नू फॉलो करते हुए उन्हों कोई भी मौका नहीं दे रहे सी। बहुत सारे इंटरसैप्ट आ रहे सी कि ए बटालियन नू नुकसान पहुँचाना है। उहदे लई उन्हें स्नैपशूट, बैट एक्शन, मोटर फायर और काफ़ी हथियारों का फायर किया, लेकिन 6 महीने विच उन्हों एक भी कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी नहीं जदों मिली तो उन्हें साड़ी ए फॉरवर्ड पोस्ट SC बटालियन रजौरी दे विच, बटालियन मेरी डिप्लॉयमेंट है, साड़ी एक फॉरवर्ड पोस्ट झील के उपर जिथे साडा बहादुर योधा नायक ड्यूटी का तैनात सी। बिल्कुल जिदा बिल्ट प्रोपैक्ट जैक्ट बिल्कुल 24 आवर्स लगी रही है जो कि फायर तो बचाए, और लूप होल जिदे विच असी वैपन का फायर करते हैं उहदे उपर भी बुलेट प्रूफ शीशे लगा रखे ने जो कि कोई बुलेट नुकसान ना करे। लेकिन 6 महीने कामयाब ना होने तो बाद उन्हें एक कानूनी चाल चली तो एक मिजाइल फिट की गई। तकरीबन रात 6 बजे फायर होया, 9 बजे एक मिजाइल आई। जो मिजाइल आई तो सीधी आके लूप होल हिट की। ये साडा गुरचरण सिंह ड्यूटी के उपर सी, वो सीधी आके शीशा तोड़ के इस चीज़ पार नू टच की, पर वो नाले बुरी तरह जख्मी हो गया। और फर्स्ट एड देने तो पहला ज़्यादा क्रिटिकल कट लगता है, पूरा पिछे निकल चुका सी, जेदे नाल एक ही अपने देश की खातर अपने फर्ज नू अंजाम देंदा होया शहादत दा जाम दे। नहीं सर कोई भी कैजुअलिटी नहीं, बिल्कुल सेफ है। एक कैजुअलिटी सी, एक जवान बाहर सी, बिल्कुल कोई भी होर कैजुअलिटी नहीं। केड़ी यूनिट सर किथे इतना सी? साडी रजौरी दे विच यूनिट सी। हां जी सर, नाभा का साडी बटालियन सी, बाकी पूरी बटालियन सेफ है। ठीक है जी। हां जी बाबा जी, की कहना चाहते हो जिदा बच्चे ने शहीदी पाई, इकल्ले इकल्ले तुहाडे बेटे ने, की लोकां नू प्रेरणा दिंदे हो? मैं गुरचरण सिंह जी, जिहड़े साडे वीर जिहड़े शहीद दा जाम जिन्हां ने पाया, मैं उस परिवार नाल जिथे दुख की घड़ी च सारा अज इलाका तुसीं देखो, भावें अज बड़ी भैड़ी बंबारी करोना दे नाल असीं जूझ रहे हां, लेकिन जदों दुख हुंदा उदों सानूं कोई करोना कोई नहीं साडे इस चीज़ की अहीं परवाह करदे, क्योंकि पंजाबियों का एक कहावत है, पंजाबी जिथे भी खड़दे ने उत्थे फतेह करदे ने। सो सानूं इन्हां वीरां ते अपने फौजी वीरां ते माण वी है कि अज इन्हां दी राखी करके अज असीं सारे सुरक्षित है। सर जिहड़े ड्यूटी कर रहे ने इस टाइम बॉर्डर ते, उन्हां दा उत्साह वधाउण लई तुसीं की? मैं उन्हां वीरां नूं यही बेनती करदा
साढ़े वो पंजाब के ने चाहे हिंदुस्तान के जिन्हें भी बार्डर से साढ़े नौजवान साढ़े जिहड़े वीर लड़ाई लड़ रहे हैं चाहे अफसर ने अज साडियां बेटियां भी जाके फौज दे विच जां BSF विच लड़ाई लड़ रही ने। मैं उन्होंने इको कहना कि तगड़े हो, सानू मालक वालों परमात्मा वालों गुड़दी है अज तक जो साढ़े जिन्हें वीर शहीद होए ने उन्होंने परिवारों यही हौसला उन्होंने परिवारों ने कहा कि जे साडा कोई शहीद होया सानू इस गल का माण भी है कि अभी शहीदी प्राप्त की अज देश वास्ते शहीदी प्राप्त की है, देश कदे भी इन्हों भुलाया नहीं जा भुलाऊगा। सो मैं अपने वालों दिल दियां गहराइयां तो उन्होंने वीरां सल्यूट करदा कि जेडे अज इन्नी गर्मी दे विच जिहड़ी सर्दी दे विच जदों लद्दाख 8-8 फुट जदों बर्फ पै जांदी है उन्होंने पहाड़ियां ते किस तरह साडी रक्षा करदे ने मैं उन्होंने सल्यूट करदा। उन्होंने मैं परमात्मा गाड़ी अरदास करदा कि परमात्मा दिन दुगनी ते रात दुगनी साडे देश की तरक्की होए, साडे नौजवानों की वाल भी वींगा ना होए ते दुश्मन का मूँह तोड़ जवाब देन। सो इन्हां बेनतियां करके फतेह बुलाउंदा, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू। इंडिया क्राइम न्यूज़, जुल्म के